हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और कल की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे ईदी आई थी और उन्होंने कहा था कि अपनी पसंद की चीज़ें वगैरह ले लें, तो फिर मैंने सोचा कि सारी प्रॉपर एक ईदी इकट्ठी करके फिर मैं आप लोगों को अपनी ईदी जो थी वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, ये अगले दिन का व्लॉग है। और मम्मा ने आज जाना था फैसलाबाद, नाना अबू का ख़त्म था। नाना अबू मेरे रमज़ान में 2 साल हो गए हैं उनको, फोत हो गए थे। और अच्छा, ये वाले जो ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पापा का ड्रेस है जो मैं लेकर आई थी 1 मंथ पहले, और ये अब स्टिच होके आ रहे थे। और ये छोटे भाई का ड्रेस है जो कि उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था मैंने, और इस दफ़ा ईदी जो है उसको साथ में पैसे दे दूँगी और साथ में ये वाला ड्रेस हो जाएगा उसका। लड़कों की इतनी ज़्यादा मुझे कोई नहीं खास इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या क्या देना चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से फुल कोशिश किया कि उसे ये ड्रेस पसंद आए। और ये वाला जो है ना ड्रेस ब्लू कलर का है, इतना ज़्यादा कैमरे में सही से फोकस नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे फोकस हो रहा है। और बड़ा प्यारा सा ये जिस भी दर्जी ने सिलाई किया ना, बहुत ही खूबसूरत सा सिलाई किया हुआ है सही सफाई के साथ। और ये कुर्ता पजामा सिलाई करवाया था बेसिकली मैंने, और बहुत ही प्यारा बन गया था। शुक्र है कि भाई को पसंद आ गया था। और ये मेरी चाची जान बैठी हुई थी साथ में, मम्मा बैठी हुई थी, तो हम लोग देख रहे थे ओपन करके। अच्छा, ये जो ड्रेसेस मैंने डिज़ाइन किए थे वो हमारे जो है ओवरलॉक भी होकर आ गए थे, और अब मैं दूंगी अपनी छोटी सिस्टर को सरप्राइज़ गिफ्ट। वैसे तो वो वीडियो में, अब तो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी ना, इससे पहले पहले मैंने गिफ्ट दे दिया है क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं अब बाद में कर रही हूँ। गिफ्ट मैंने उसको दे दिया हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी देखकर। वो इसका रिएक्शन जो है वो आगे आप लोग चल के खुद ही देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बारी, जैसे डेली आती ही है तरबूज की बारी आ गई है। मेरा फेवरेट, मेरा पसंद का तरबूज, लेकिन ये वाला पता नहीं किस तरह का था, इसका टेस्ट भी मीठा नहीं था और अजीब सा ही था। मैंने फिर पापा से कहा, मैंने कहा ये वाला इस नस्ल का तरबूज नहीं आना चाहिए दोबारा, ग्रीन वाला लेकर आया करें जो ओरिजिनल तरबूज है, ठीक हो गया। तो और इसके ऊपर पता नहीं मैं क्या मस्तियाँ कर रही थी, हमें पता नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर से ना ये छिलका सारा उतार दूँ। और अच्छा, इसके साथ वो टूटी फ्रूटी वाली वो भी बनती है, मुरब्बा भी बनता है, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल रमज़ान है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है और गर्मी भी हो गई है इतनी ज़्यादा, लेकिन खैर हमारा घर ठंडा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जो घर से बाहर निकलते हैं काम वगैरह पे जाते हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, ये टींडे किस किस को पसंद है? अक्सर लोगों को टींडे नहीं पसंद, और इतनी ज़्यादा टिकटॉक पे, स्नैक पे, यूट्यूब पे फनी क्लिप्स बने हुए ना टींडों से रिलेटेड, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। मेरी आंटी बनाती होती थी बहुत मज़े के, जिस तरीके से बनाती थी उसी तरीके से आज सेम उसी तरीके से बना रही हूँ। और मम्मा जो है वो मुझे सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे बनाते हैं टींडे भर के, इसको कहते हैं टींडे भर कर बनाना। आपने छोटे साइज़ के इक्वल साइज़ के सारे टींडे लेने हैं, जिस तरह मैंने लिए हुए, 4 कट लगाने हैं, छील लेने हैं, उनके अंदर हल्का हल्का सा नमक भर देना है, और जो जितना भी मसाला हांडी का होता है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, घी भी डाल देना है, सारे मसाले डाल देने, और हल्की सी आंच पे बस इनको पकाते रहना है इस तरह से, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और यकीन करें, साथ में आप बना लें कच्ची लस्सी और रोटियों को लगा लें देसी घी, क्या ही मज़ा आता है इनको खाने का। मेरे मुँह में फिर से पानी आने लग गया, बहुत ही मज़े के बने थे ये टींडे। और कभी मुझे नहीं पसंद हुआ करते थे, लेकिन मेरी आंटी जो थी उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, बहुत ही अच्छी थी। और वो टींडे, कद्दू और तोरियां, अक्सर ये चीज़ें इन लोगों को नहीं पसंद होती, वो ये तीनों चीज़ें बहुत मज़े की बनाती थी, और उनकी वजह से मुझे ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अब पसंद है। मतलब कि मैं नहीं, नापसंदीदगी का इजहार बिल्कुल भी नहीं करती, मैं खुद पर्सनली बनाकर बहुत खाती हूँ। काली तोरियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ पर हमारे टींडे रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, और मैंने तो सहरी में खाए थे, ठीक है। और ये जी हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। अफ्तारी में व्लॉग, पता नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था शूट करने को। कल भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी नहीं, अफ्तारी की बनाते हुए वीडियो मैंने शूट की, फिर मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मेरा नहीं दिल करता मोबाइल उठाने को। मैंने बनाया था जरदा राइस, साथ में बनाए थे चने का पुलाव। और ये जी मैंने दूध ले आई थी, इसके अंदर चीनी ग्राइंड कर ली थी, और मैं पापा को बोलती रही हूँ कि आप ऐसा करें कि कोक की बोतल डाल दें बीच में, लेकिन उन्होंने ड्यू डाल दी थी जिसकी वजह से सारा दूध जो था फट गया था हमारा। अच्छा, थोड़ी सी मैंने भलियाँ भी बना ली थी, फ्रूट तो होता ही होता है। ये पुलाव बहुत 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 मज़े के चावल बने थे, और ज़रदा भी बहुत मज़े का बना था, हल्की फुल्की डेकोरेशन करके। मैंने वैसे अफ्तारी में तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन बस एक डिश आउट करके थोड़ा सा दस्तरखान खूबसूरत बनाने के लिए मैंने साथ में रख लिए। थोड़े से पकौड़े बना लिए थे जो कि हर दफ़ा ही अफ्तारी में होते हैं, और यहाँ पर ये देखे पापा ने इसके अंदर ऐड कर दी थी, आई थिंक ड्यू थी ये। मुझे तो कोई कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद, और ये बाहर बाहर गिर रही थी, और पापा कहते हैं ये बाहर गिरेगी उतना ही मज़ा आएगा इसका दूध सोडे का। ये यहाँ पर उन्होंने ऐड तो कर दी थी, और फिर ये फटी हुई इसी तरह उन्होंने पी थी गैस निकलने से पहले। ये अफ्तारी का ही टाइम था, मतलब 1 मिनट में ही अफ्तारी हो गई थी।
अच्छा जी, उसके बाद आज का जो स्पेशल स्पेशल है वीडियो, वो जी मेरी छोटी सिस्टर को मैंने ये पूरे का पूरा गिफ्ट बनाया है। छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने इकट्ठी की थी और कुछ मैंने साथ में स्लंचीज़ वगैरह भी मंगवा ली थी, लेज़ मंगवा लिए थे, वेवी मंगवा लिए थे, जूस मंगवा लिया था, चॉकलेट्स मंगवा ली थी, बीच में मैंने सारा एक बकेट बनाकर तो मैंने अब उसके लिए रेडी किया है। वो नमाज़ पढ़ रही थी और आई थिंक अब वो बाहर आने लगी और मैं धीरे धीरे अपनी बास्केट को लेकर बाहर जाऊँगी। और लाइट भी चली गई है, लेकिन खैर वीडियो बनाते हैं और उसका रिएक्शन चेक करते हैं और आप लोगों ने साथ ही वीडियो के रहना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। सना, ये देखो तुम्हारा ईद का गिफ्ट। थैंक यू, कितना प्यारा बनाया। ओपन करो, अभी ओपन करो। मैंने अपनी YouTube वीडियो के लिए बनाना है और मैं तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पे सबको दिखाऊंगी कि क्या था। थैंक यू। क्या है? बबल्स, कैंडीज, पिन। इसमें से सिर्फ तुम्हें ड्रेस का पता है, लेकिन तुम्हें पता है मैंने ड्रेस भी सिलाई कर लिया है। ये कितने क्यूट है। नाइस, वन ऑफ माय फेवरेट मेहंदी। मेहंदी दिस वन आल्सो माय, ये पहन लो। लाओ मैं पहनाऊं। वो वाला हाथ आगे करो, वो वाला। थैंक यू। ये भी मुझे पता था। हाँ, तो मैंने देख जो लिया था सबसे पहले, ये सरप्राइज देना था मैंने तुम्हें। सेम उसके साथ की ड्रेस के साथ की ड्रेस देखो कैसा सिलाई किया, तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम कॉलेज गई थी ना, मैंने पीछे से सिलाई किया था, मैंने और मम्मा ने। पूरा दिखाओ कैसे है। Nice. सिंपल जैसा तुम्हें नहीं पसंद था कि इस तरह का बनाएंगे और इस तरह का पहनेंगे। ये बहुत सिंपल जैसे कुर्ता तुम्हें पसंद है वैसा बनाया है मैंने। और दुपट्टा भी देख लो उसका, थोड़ा सा फैंसी इसके साथ का ही। बिग चूड़ियां लवर, बैंगल्स लवर। सूट के साथ की लिया गोल्डन और वो वाली ब्लू, और ये जो है कलरफुल, तो किसी भी ड्रेस के साथ पहन लेंगे। ये तो तुम्हें वैसे ही, तुम मरती हो ना इन चीजों पे। मैंने इतनी ज्यादा नहीं ऐड की, थोड़ी सी ऐड की है। इस तरह की मामा ने भी मुझे गिफ्ट की है। हाँ, जितनी हो चेन उतनी कम होती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या रिएक्शन दो हैं। हाँ, सारा चीज़ें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? बहुत 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 थैंक यू। कुछ कुछ चीज़ों का तुम्हें पता था ऑलरेडी? नहीं, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। ये सब के बारे में, ड्रेस के बारे में। तुमने वीडियो नहीं देखी थी मेरी यूट्यूब की? लेकिन मुझे यही था पता कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है मुझे। इसे ओपन करूँगी अभी। अच्छा जी, ये थी हमारी, मेरी तरफ से मेरी छोटी सिस्टर को ईद का गिफ्ट। और इस दफ़ा मैंने इसको पैसे वगैरह नहीं देने, बस मैंने इसको यही गिफ्ट लेके दिया। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए इस बार। इसको काफ़ी सब, मैं वो भी आप लोगों को आगे अब दिखाती हूँ कि इसको कहाँ कहाँ से और कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं और पैसे ही ज़्यादा मिले हैं। ये मैंने शो करवाया वो ऑलरेडी, वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चलें जी, बाय बाय बोल दो सबको। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी एंड बहुत मज़ा आया मुझे ये सब कुछ देखने का। और थैंक यू फॉर योर लव। नहीं बोलना आ रहा, बस नहीं बोलना आ रहा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और जी, ये बना रही थी वीडियो अपने गिफ्ट की, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ कि ये चीज़ें थी ना, ये स्टॉलर जो थे, एक तो मेरे लिए लेकर आई थी, ये दो अपने लिए लेकर आई थी, ठीक है। वो मम्मा ने लेकर दिए। येलो कलर का जूता लेकर आई, ठीक है, अपने लिए। ये मस्टर्ड से कलर का है। और ये जो ड्रेस है, ये भी मम्मा ने लेकर दिया। इसे बहुत ही प्यारा है। और ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और स्टिच मैंने करके दिया था, लेकिन मम्मा ने लेकर दिया। साथ में मम्मा ने इसको नेल पेंट्स लेकर दी, बैंगल्स मैचिंग। और ये मैं लेकर तो आई थी, लेकिन पैसे मम्मा ने दे दिए। मम्मा ने कहा कि चलो जी, काम ख़त्म हो गया, अब मेरे सर पे कोई बोझ नहीं है, ईदी पूरी हो गई है। साथ में ये वाली रिंग है एक पिंक से कलर की, और साथ में ये है
लॉकेट चेन है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी, सेम इस तरह की मेरे पास भी है। और ये थी जी इसकी ईदी जो कि मम्मा की तरफ से थी इसको। बाकी पैसे आप लोगों को पता है कि पैसे तो पैसे ही होते हैं ना, वो तो मस्त चाहिए ही होते हैं, वो उसकी तो माफ़ी है ही, जब तक वो नहीं ना मिलेंगे तब तक इनको लगेगा हमारी ईद इनकम्प्लीट है। अब मैं आप लोगों को आगे एक पिक्चर शो करवाती हूँ जहाँ पर इसकी ईदी टोटल है और इसने एडिट करके रखी हुई है पिक्चर। ये यहाँ पर छोटे भाई ने मतलब दी हुई है, मामों ने दी हुई है, इनके भाई ने दी हुई है, और यानी कि मेरे फ्यूंसी ने और मेरे पापा ने भी दी हुई है, आंटी ने भी दी हुई है, मामू दूसरे मामों ने भी दी है, आप ही ने भी दी हुई है, सबकी ईद यहाँ पे उसने ऐड की हुई है कि मतलब सब ने दी हुई है। और ये गिफ्ट जो था पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जो कि इसकी फ्रेंड ने भी दिया था। और मैं इस दफ़ा तो सना की ना ईद बड़ी अच्छी गुजरने वाली है, वो बस इन खुशियों की वजह से अच्छी गुजरेगी, पहने चीज़ें चाहे वो ना पहने लेकिन ईद उसकी अच्छी हो गई है। और अगर ये वीडियो मैंने इसलिए ऐड किया है दोबारा से क्योंकि कुछ न्यू व्यूवर्स भी होते हैं तो उनके लिए इजी हो जाए, उनको मेरी वीडियोस के अंदर से दोबारा वीडियो ना ढूंढनी पड़े, और ये एक एज अ मेमोरी मेरी छोटी सिस्टर की वीडियो सेव हो जाए। और मैं तो बस उसको उनको खुश देख के खुश हो जाती हूँ सारी चीज़ों को ही। और ये थी जी आज की हमारी वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा। मेरी छोटी सिस्टर को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे और आप लोगों के भी अच्छे करे। और आज 27वीं रात है और आज तो इबादत करनी ही करनी है, वो तो बनती ही बनती है, और अल्लाह ताला से अपने नसीबों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आप सबके भी नसीब अच्छे करे और मेरे भी बहुत अच्छे करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।